afternoon, everyone. Welcome to BLS International School Hartfest. Today's subject is English. In English, today we will learn about is, am, are. So, kids, ये तीनों auxiliary verbs हैं. इनको हम pronouns के साथ use करते हैं. Let's understand use of is, am, are. तो देखिए, am का use सिर्फ हम I के साथ करते हैं. Am का use हम किसके साथ करते हैं? I के साथ. इसका यूज हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ करते हैं, यानी वन पर्सन, वन एनिमल, वन थिंग्स. सिंगुलर प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट, देम. आर का यूज हम प्लूरल प्रोनाउन के साथ करते हैं, यानी एक से ज्यादा थिंग्स, एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा एनिमल्स. प्लूरल प्रोनाउन लाइक यू, वी, दे. तो हम एम का यूज किसके साथ करते हैं? सिर्फ आई के साथ. और इसका यूज सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही, सी, इट. और आर का यूज प्लूरल प्रोनाउन यू, वी, दे. इस एम आर को और अच्छे से समझने के लिए चलो मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ. थ्री बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे. इस एम आर. थ्री बेस्ट फ्रेंड कौन कौन थे? एस, एम, आर. एक दिन क्या हुआ, उन तीनों में झगड़ा हो गया और उन्होंने आपस में बात करना बंद कर दिया. फिर वो तीनों न्यू फ्रेंड बनाने के लिए एक दिन कहाँ जाते हैं? पार्क में. वो तीनों न्यू फ्रेंड बनाने के लिए जाते हैं पार्क में. तो सबसे पहले पार्क में एंट्री होती है एम की. किसकी एंट्री होती है? एम की. और एम सबसे पहले जाता है किसके पास? बी, दे, यू के ग्रुप के पास जाता है. तो वो तीनों उसको फ्रेंड बनाने से मना कर देते हैं. फिर वह जाता है ई, सी, इट के ग्रुप के पास. तो वो तीनों भी उसको फ्रेंड बनाने से मना कर देते हैं. फिर वो जाता है आई के पास. और आई क्या करता है? एम को फ्रेंड बना लेता है. आई क्या करता है? एम को फ्रेंड बना लेता है. फिर वो दोनों साथ रहने लगते हैं. फिर उसके बाद पार्क में एंट्री होती है इज की. आई एस इज की. तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है? वो जाता है यू, वी, दे के ग्रुप के पास. और वो तीनों क्या करते हैं? वो तीनों उसको फ्रेंड बनाने से मना कर देते हैं. वो कहते हैं हम आपको फ्रेंड नहीं बनाएंगे. फिर इज जाता है आई के पास. आई कहता है मैंने तो अपना फ्रेंड बना लिया, मैं आपको फ्रेंड नहीं बनाऊंगा. फिर वो जाता है ही, शी और इट के ग्रुप के पास. और वो तीनों क्या करते हैं? वो तीनों उसको फ्रेंड बना लेते हैं. तो ही, सी, इट इसके साथ रहने लगते हैं. फिर उसके बाद एंट्री होती है पार्क में आर की. ए आर ई, आर की. तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है? ही, सी, इट के पास जाता है. वो उसको फ्रेंड बनाने से मना कर देते हैं. फिर वह जाता है आई के पास. और आई उसको गुस्सा होकर बोलता है मेरे पास से जाओ, मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, तुम किसी और को फ्रेंड बनाओ. फिर जाता है आर, बी, दे, यू के पास. और वो तीनों फ्रेंड बन जाते हैं और हमेशा साथ रहते हैं. तो बच्चों, आई रहता है हमेशा एम के साथ. आई का फ्रेंड कौन है? एम. और ही, शी, इट इन तीनों का फ्रेंड कौन है? इज. इन तीनों का फ्रेंड कौन है? इज. और यू, वी, दे इन तीनों का फ्रेंड कौन है? इस वाले ग्रुप का फ्रेंड कौन होता है? आर. ए आर ई आर. नाउ एवरीवन ओपन पेज नंबर 72 इन इंग्लिश वर्कबुक. राइट डाउन टुडेस डेट दैट इज 12/12/20. आफ्टर राइटिंग द डेट यू विल पुट CW ऑन द टॉप. Now we will do exercise related to is, am, are. See the first sentence. He-throwing. He-throwing. तो इसमें मैं आपको बताइए क्या आएगा? Is आएगा, am आएगा या are आएगा?
तो मैम ने क्या बताया था आपको? ई का फ्रेंड कौन था? ई का फ्रेंड कौन था? आई एस एस। तो हम ई के साथ क्या यूज करेंगे? आई एस एस। ही इज थ्रोइंग। ही इज थ्रोइंग। सी नेक्स्ट सेंटेंस। एस एच टी शी। एस पी आर ए वाई आई एन जी प्रेइंग। शी डैश प्रेइंग। तो इसमें क्या आएगा? इसमें हम क्या यूज करेंगे? एस एम या आर। तो देखिए मैम ने क्या बताया था, शी का फ्रेंड कौन है? आई एस एस। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? आई एस एस। शी इज प्रेइंग। सी नेक्स्ट सेंटेंस। टी एच ई वाई दे। तो दे में देखो मैम ने क्या बताया था, दे का फ्रेंड कौन है? ए आर ई आर। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? ए आर ई। ए आर ई आर। दे आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। सी नेक्स्ट। आई टी इट। तो देखो मैम ने क्या बताया, इट का फ्रेंड कौन है? आई एस एस। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? आई एस एस। इट इज अ डॉग। सी नेक्स्ट। आई डैश ड्रिंकिंग। तो मैम ने क्या बताया था, आई का फ्रेंड कौन बना था? ए एम एम। आई का फ्रेंड कौन था? ए एम एम। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? ए एम एम। आई एम ड्रिंकिंग। आई एम ड्रिंकिंग। नेक्स्ट डब्ल्यू ई वी डैश रीडिंग। तो मैम ने क्या बताया था, वी का फ्रेंड कौन बना था? ए आर ई आर। तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? ए आर ई आर। वी आर रीडिंग। सो किड्स, मैम ने क्या बताया आपको, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर यानी वन पर्सन वन प्लेस वन थिंग्स यानी ही शी इट नेम। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? आई एस एस। और आई के साथ क्या यूज करते हैं? ए एम एम। और दे यू वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? ए आर ई आर। डियर स्टूडेंट्स, काइंडली डू दिस वर्क ऑन पेज नंबर 72 एंड 73 इन योर इंग्लिश वर्क बुक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।